ਕੁਝ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਲਵਾ ਜੀ ਗਈ ये जी छत का नीचे से व्यू भाई का ये सारा सेटअप जोड़ों वाला ये सारा स्कार्ड ऊपर से तो मैंने भाई को दिखा ही दिया ना जी। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसी है सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों उमर भाई के गारा जलालपुर जट्टा में मौजूद हूँ, उनके ब्रीडिंग सेटअप और परवाजी सेटअप का शो करवाते हैं। अब तक उनकी छत का ओवरव्यू करें। ये सारा ऊपर परवाजी सेटअप है, ये भी सब परवाजी हैं। ये कुछ इस साइड पर इनके जोड़ों वाले कबूतर हैं। छत का बड़ा अच्छा बड़ा खूबसूरत व्यू है इनका। उमर भाई के पास चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? किस नाम से छत उड़ती है भैया आपकी? छत राजा उमर और राजा निकाश। अच्छा, राजा उमर और राजा निकाश के नाम से छत उड़ती है आप। मतलब ये अपने इस डिवीजन की हद तक शो करते हैं, पंजाब लेवल पे करते हैं? नहीं, ये अपने डिवीजन की, अपने डीएन की हाथ तक करते हैं। मुझे ये सनी बता रहा था कि परिंदे आप गुजरांवाला से भी कुछ लेके आए हो, तो काफी जगह से गुजरांवाला से भी आए हैं, उस्ताद जमील भट्ट के घर से, सियालकोट स्वीट वाले हैं जो, ठीक है, लेन में है, जो लाहौर से आए हैं, ठीक है, तो कुछ रावलपिंडी से आए हैं, सही है, मतलब थिंग साहब के घर के हैं, ठीक है, तो काफी पीपला से कुछ परिंदे आए हैं हमारे, पीपला से चले आपके जोड़ो, अकमल खान उनके भांजे हैं, ठीक है, अमीर आबाद खान, सही है, उनके घर से कुछ आए हैं। अच्छा माशाल्लाह, यानी कि तैयारी दे तो कबूतर तुसी इन्ने कठे कीते ने पंजाब लेवल दे मुकाबले च, अल्लाह खैर करे। 10 मिनट पहले तुहाड़े तो कबूतर बाहर कड्डे जे उत्ते कैमरा मारो ना। हां दोस्तों ये देखें ऊपर, ये परिंदे पल्ला इन्होंने करा दिया होगा, कुछ ही ऊपर कबूतर छोड़े हुए हैं, ये देखें उड़ रहे हैं। वो जोड़ों वाले कबूतरों का शौक करते हैं, धूप क्योंकि बहुत ज्यादा है, रोजा भी है, तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। व्यू देखें दोस्तों पीछे, ग्रीनी है सारी ना। ले जी ये सारे जोड़ों वाले कबूतर हैं उमर भाई के, ठीक है, ये मतलब इनके बच्चे वगैरह इनके पास अच्छा परफॉर्म करते हैं। बाकी इनमें से कुछ कबूतर दिखाते हैं पकड़ के, बटेरा कबूतर है ये भाई का, इसका शौक करते हैं। दिखाएं भाई आंख दिखाएं इसकी, रिजल्ट है इस कबूतर का, बच्चे अच्छे उड़ाता है बच्चे। अभी तो ये जोड़ा भी चेक कर रहे हैं, एक बच्चा है इनका ये काला। अच्छा आपने पता है क्या करना है, जोड़ा जोड़ा दिखाना है, इसके बाद इसके साथ जो मादी लगाई है ना आपने, दिखाएं पार दिखाएं इसका, ठीक है, फीमेल पकड़े इसकी। ये जी 35 वाला जो कबूतर है उसके साथ जो फीमेल लगी है उसका शो करवा रहा हूँ। और पकड़े कि जी भाई कह रहे हैं ये बड़ा रिजल्टेड कबूतर है हमारा ना, टैडी है कबूतर, टैडी कबूतर है, दिखाएं आंख दिखाएं इसके, कितने बच्चे उड़ते हैं इसके? बच्चे इसके तो शाम तक बैठे हुए हैं। दिखाएं पर दिखाएं, मादी पकड़े इसकी, ये जी कमगर मादी है, उसके साथ टैडी कबूतर के साथ लगाई हुई उन्होंने, दिखाएं आंख, ठीक है पर खोलें भाई, ठीक है। ये जी भाई का ये भी जो जोड़ा है बड़ा रिजल्टेड है, 79 वाला कबूतर कह रहे हैं, दिखाएं आंख दिखाएं इसके, ये भी बच्चे शाम शाम ही उड़ाता, बच्चे माशाल्लाह से बड़े रिजल्टेड ने, क्रीचे पे आया थोड़ा ना, दिखाओ पर दिखाया जी। एक मैं तो मादी भी वेखी थोड़े को 79 वाली, ठीक है नेक्स्ट पकड़ो।
जी उसके साथ। ये डायरेक्ट ही जोड़ा लगाया हुआ है कि क्रॉस में लगाया हुआ? नहीं, वो उसके साथ मादी और है, ये मादी और किसी की है। अच्छा, ये मादी और किसी के साथ लगाया गया। लेकिन अगर ये उससे लगाओ तो फिर प्योरिटी में भी बच्चे हैं, उड़े हैं। चल ये जी, इसका भी रिजल्ट भाई के पास कहते हैं बहुत है। दिखाएं आंख, दिखाएं इसकी। इसके दो पट्ठे रोके हुए हैं, वो उधर उड़ रहे हैं, एक पट्ठा रोका हुआ है। अच्छा, कितने बजे तक उड़ रहे हैं वो? माशाल्लाह अच्छे रिजल्ट हैं उनके। दिखाएं पार इसका भी, सब कबूतर ग्रीस में है। हाँ, कुछ साफ कर रहे हैं, झाड़ कर रहे हैं। अब इसका नर भी दिखा दें, पूरा कबूतर दिखाएं। ये जो डब वाला कबूतर लगा हुआ उस माजी के साथ ना, दिखाएं आंख इसकी। टेढ़ी डब वाला दिखाएं पार, दिखाएं डब वाले। ये भी हमारे पास शाम तक उड़ा हुआ है, ये बड़ा अच्छा कबूतर है, लाहौर वाले कबूतर है। जी कबूतर इन्हां दे सारे उड़ गए ने, इल बज गई। जी मैंने एक अपनी पसंद का पीस पकड़वाया, लास्ट ये जोड़ों में से शौक है, इसका शौक करवाता हूँ। दिखाएं आप इसकी आंख, दिखाएं माती की, जैनवन मादी मियां साहब वाली तस्वीर कह लें, छट्टों वाली कह लें, पर दिखाएं इसको, मादी को छोड़ना ना। ये इसका पार है, इसके साथ क्या लगाया हुआ? इसके साथ मैंने कहा जी एक दफ़ा आपको ओवरव्यू करवा दूं। ये थोड़े से जोड़े हैं ये रखे सिर्फ शौकिया तौर पे, जिनके कोई रिजल्ट है, बाकी उड़ाने का शौक है, उड़ाने वाले कबूतर इनके पास ज़्यादा है। मैंने कहा एक ओवरव्यू करवा दूं, बाकी भाई का सेटअप बड़ा प्यारा है। ये जी दूसरे केज में ये मादियाँ आपकी? हाँ जी। ये जी सारी मादियाँ इनकी परवाजी उड़ने वाली। मैंने कहा एक दफ़ा मैं ये भी नज़र लगवा दूँ, ये भी स्कॉर्ड है इनका सारा अच्छा उड़ने वाला। ये इनमें जो पामोज देख रहे हैं ना, जो कलर हैं, ये पिपला वाले अकमल, हाँ ये अकमल खान साहब वाले, ये पिपला वाले कबूतर हैं सर जी, ये पिपला वाले कबूतर हैं जो सात है इसके केज, उसमें बच्चे हैं मेल हैं क्या? मेल हैं, भाई दादे निकाले छः सात। चलें ठीक जी। जी ये भाई का ऊपर सेटअप है सारा, जाता हूँ। ये जी भाई का ऊपर सेटअप, अब ऊपर वाले फ्लोर में आ गया हूँ, जो इनके परवाजी है सारा स्क्वाड है। ये सब धूप बड़ी ज़्यादा, रोज़ा भी अब तो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, ठीक है। मैंने कहा चले दोस्तों के लिए शौक हो जाए, रमज़ान है, टाइम अच्छा स्पेंड हो जाएगा, ठीक है ना। ये परिंदे हैं जी। उमर भाई माशाल्लाह छत बड़ी प्यारी है, मेहनत भी आप अच्छी कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये सनी भाई का भी बहुत सरदार है सर। और सनी फिर उस्ताद आदमी है जी, सनी यह दोस्त है मेरा, रिलेटिव है, कज़न है। तो ये इसके साथ ही मैं आया हूँ, गुजरात आया हुआ था जलालपुर जट्टा में, तो मैंने कहा चलो आज इसके पास भी विज़िट कर जाते हैं। तो जल्दी जल्दी में मैंने कहा चलें एक ओवरव्यू कर दें। दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।